दुबई टू नेक्स्ट एलए। अब आपको बता ही देते हैं, और हालत बड़ी टाइट होने वाली है क्योंकि 16 आवर्स की फ़्लाइट है। चलें आपको मिलते हैं फ्लाइट में। अब जिस चीज़ से डर रहा था मैं पहले, वही काम हुआ है। 16 घंटे की फ़्लाइट थी, 21 घंटे लग गए। बारिश इतनी तेज़ हो रही है, और ये देखें अब खड़े हैं, अपनी वेट कर रहे हैं जो होटल के लिए, स्टैंड में खड़े हैं अभी। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें विद फ्रेंड्स। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब तो करें। आप चैनल पे आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं बटन दबाए बगैर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं सब हैरो आफियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, दुबई टू नेक्स्ट एलए। अब आपको बता ही देते हैं, और हालत बड़ी टाइट होने वाली है क्योंकि 16 आवर्स की फ़्लाइट है। चलें आपको मिलते हैं फ्लाइट में। अब नहीं जी, नेक्स्ट फ्लाइट के लिए बस जा रहे हैं हम, और लेकिन बस फर्स्ट मील जो लॉन्ग फ्लाइट में ऑलमोस्ट 8.5 घंटे अभी भी रहते हैं। उफ, क्या बताऊँ आपको, और 7.5 घंटे गुजरे अभी, और सिचुएशन ये है कि बड़ा टायर्ड हो गया हूँ मैं तो। Thousand years later. जी फ्लाइट में सेकंड मील आ गया, और ये देखें आपको दिखाता हूँ सेकंड मील में क्या है। चिकन विद राइस। A few moments later. चाय का टाइम हो गया, चाय पीने लगे हैं, साथ साथ मूवी इंजॉय कर रहे हैं। One hour later. ये देखें जी टाइम ख़त्म नहीं हो रहा, टाइम पास नहीं हो रहा, तो ये देखें टाइम ऐसे पास किया जा रहा है। खबर आया हुआ है अपनी सीट से, और अभी भी स्टिल जो है ना 2.5 आवर रहते हैं जी। तीसरा मील मिला है जी, तीसरा मील मार्गरिटा पिज़्ज़ा। फिफ्थ मूवी लेकिन सिर्फ 34 मिनट्स रह गए हैं, और बस लॉस एंजलिस पहुँचने वाले हैं हम। कभी दिखाता हूँ आपको, जी मज़ीद 1 घंटा और लग गया, 1.5 घंटा हो गया। हम लॉस एंजलिस से पहले इंटोरियो में उतर गए हैं, और फ्यूल जो है ना रिफ़िल कर रहे हैं। ये देखें फ्यूल के लिए टैंक आया अभी,
रिफिल करने लगे हैं, इसकी वजह से एक डेढ़ घंटा फिर लग गया। लेकिन जी ये नया काम हो गया आज, 16 घंटे की फ्लाइट और 3 घंटे हो गए अभी तक हम लॉस एंजलिस नहीं पहुँचे। रास्ते में रुके हुए हैं एक डोरियो में और इधर रीफिलिंग के लिए जो है ना रुके हैं और इधर इमरजेंसी की गाड़ियाँ और सारा कुछ हो गया है, आ गया हुआ है। अभी भी कह रहे हैं कि एक घंटा लग जाना है और नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो मिस, इसका मतलब हो गई है। अब देखें क्या बनता है, क्योंकि नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो 4:30 थी मगर 3 बजी हैं अभी तक इधर ही है। 2000 years later. जिस चीज से डर रहा था मैं पहले ही वही काम हुआ है। 16 घंटे की फ्लाइट थी, 21 घंटे लग गए और अभी तक की लाइफ में सबसे लंबी फ्लाइट। और अब नेक्स्ट लॉस एंजलिस पहुंची है तो अगली फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अब आज इधर रुकेंगे और नेक्स्ट डे फ्लाइट होगी कल। उफ क्या हालत हो गई है देखते हैं। अब बैग्स लेने लगे हैं। बारिश इतनी तेज़ हो रही है और ये देखें अब खड़े हैं अपनी वेट कर रहे हैं जो होटल के लिए, स्टैंड में खड़े हैं अभी और बारिश में से गुजर के आए हैं। वो देखें मैं जी अपनी तो आ गई है मैरियट की और अब जाकर उधर मिल रहे हैं। A few moments later. जी फाइनली टाइम देख लें क्या हो गया, पाकिस्तान 8:30 और इधर 7:30। अब पहुँचे अपने रूम के बाहर, रूम अनलॉक करते हैं और रूम का आपको बाद में करवाते हैं विजिट। मेरा रूम नंबर है 143, शायद 143 से आपको कुछ याद आए, तो चले चलते हैं रूम में। लें जी रूम का विजिट करवाते हैं आपको, रूम टूर। ये देखें जी ये अपने बैग्स आ गए हैं और ये देखें ये है जी अपना रूम। दोनों बेड मेरे लिए हैं क्योंकि मैं अकेला हूँ, इसलिए दोनों बेड मेरे लिए। और आपको सुबह इधर से दिखाएंगे, अभी तो काफ़ी बारिश हो रही है बाहर। और ये रहा टॉयलेट, और अपनी हालत देखें, पसीना इतनी सर्दी में पसीना कितना आ रहा है, उफ थक गए हैं बहुत ज़्यादा। और फाइनली लॉस एंजलिस में रात रुकना पड़ गया हमें क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, बहुत लेट थी। A few inches later. वो काफ़ी लंबा हो रहा है और आज हमें रुकना पड़ गया लॉस एंजलिस में। और आज के लिए इतना ही, अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर मस्ट है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़, बाय।